उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों का टेम्पो ट्रेवल और दो अन्य छोटे वाहन गंगनानी के पास मलबे में दब गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। जिला आपदा प्रबंध की ओर से जानकारी दी गई है कि वर्तमान में 3 शव निकाल दिए गए हैं। एक शव गाड़ी में फंसा है, जिसे निकालने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, 7 घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मलबे की जद में आए 3 वाहनों में कुल 31 लोग सवार थे। वाहन में अन्य सवारों को भी हल्की फुल्की चोट आई है। चूंकि पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा और बोल्डर आ रहे हैं और तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से SDRF सहित अन्य रेस्क्यू टीम भी करीब 11 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घटना में मृतक महिला यात्री भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी है, जबकि अन्य 3 पुरुष मृतक भी मध्य प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उनका कहना है कि उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर मलबे की चपेट में आने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिस कारण वाहन में सवार 4 लोगों की हताहत एवं कुछ लोगों के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन व SDRF द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं CM धामी ने कहा, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने हेतु एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। दरअसल आपको बता दें, उत्तरकाशी जनपद में रविवार की दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर अवरुद्ध हो चुका है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं 4 धाम यात्रा भी अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मौसम विभाग ने फिर प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर कुमाऊं के जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।